पदार्थों का अगला गुण है चमक। पदार्थों को काट कर देखिए या रेगमाल से रगड़ कर देखो, जहाँ काटा या रगड़ा है वहाँ पदार्थ चमकीला दिखाई देता है। इसे हम द्युतिवान भी कहते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि। हमारे पास ढेर सारी वस्तुएं हैं, जैसे कागज़, गत्ते का टुकड़ा, चौक, स्पंज, लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी, सोना, रुई इत्यादि। इसमें से कुछ वस्तुएं चमकीली हैं जिन्हें हम अलग कर देंगे, जो हमें चमकीली नजर आ रही है, जैसे ये बहुत चमकीली है तो ये हमने अलग कर, एल्यूमिनियम भी चमकीला है ये अलग कर दिया, ये लोहे की ये कर दी, चम्मच, कटोरी, गिलास, ये सब चमकीले हैं। हम कागज को काट कर देखेंगे, ये हमने काटा और इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। अब हम गत्ते को काट कर देखेंगे, इसमें भी कोई खास चमक नहीं नजर आ रही है। अब हम प्लास्टिक की स्पंज को काट कर देखेंगे, इसमें भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। प्लास्टिक की पाइप को काट कर देखेंगे, देखिए इसमें भी कोई नजर नहीं आ रहा है। तांबे के बर्तन को रगड़ कर देखें, देखिए रगड़ने के बाद इसमें एक अच्छी सी चमक आ गई है। अब हम लोहे को रगड़ कर देखेंगे, ये हमारे पास लोहे का एक पीस है, इसको रगड़ कर देखें, देखिए इसमें भी चमक नजर आ रही है। अब हम लकड़ी को रगड़ कर देखेंगे, इसको रगड़ कर कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। प्लास्टिक को रगड़ कर देखें, प्लास्टिक बॉल में भी कोई नई चमक नहीं आई। धातुएं अपनी चमक खो देती हैं, ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रिया या रिएक्शन के कारण होता है। अगला गुण है कठोरता। जब हम अलग अलग पदार्थों को हाथ से दबाते हैं तो कुछ तो आसानी से दब जाते हैं, पर कुछ को दबाना या संपीड़ित करना कठिन हो जाता है। धातु की चाबी लेकर कुछ पदार्थों को खरोंच कर देखिए, कुछ को हम आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ को आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता है। दबाने का परीक्षण करें, रुई देखिए ये दबाने में कितना आसान है। इसके बाद स्पंज, इसको भी दबाना आसान है। पाइप का टुकड़ा, इसको भी हम आसानी से दबा सकते हैं। अब पत्थर को दबा कर देखें, इसको दबाना कठिन है। कटोरी को दबा कर देखें, इसको भी। आइए चापी से खुरच कर देखें, पहले हम साबुन को खुरच कर देखेंगे, ये देखिए आसानी से खुरचा जा सकता है। लकड़ी को खुरचना कठिन है, लोहे को खुरचना कठिन है, पत्थर को इसको भी खुरचना कठिन है। अतः जो पदार्थ आसानी से दबाए या खरोंचे जा सकते हैं उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं, जैसे रुई, स्पंज, आटा आदि। और जो पदार्थ आसानी से न दबाए और न खरोंचे जा सकते हैं उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, तांबा आदि। तो दिखावट में चमक, कठोरता, खुरदरा या चिकना होना, ये सब गुण हो सकते हैं।